दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हीरो के प्लेजर प्लस BS6 2021 मॉडल, एक न्यू कलर आया है जिसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे सस्ती हीरो के मान के चलिए कि यही बाइक है दोस्तों, स्कूटी, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पर फ्रंट पर आप देखेंगे तो जो क्रोम का फिनिशिंग किया गया है ये सबसे लेटेस्ट, सबसे न्यू, समझ लीजिए सबसे अलग है। और यहाँ पर क्रोम का फिनिशिंग आपको हेडलाइट के चारों तरफ मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी जो है यूनिक लग रहा है, काफ़ी बेस्ट लग रहा है। मिरर भी आप देखेंगे तो एक नया डिज़ाइन में मिलेगा। 110 cc का इंजन है, 110.9 cc का इंजन है, 111 समझ लीजिए। और उसके बाद फाइबर का टोटल इसमें आपको मिलेगा जितना भी वाइजर लगा हुआ है। तो देखिए 110 cc के सेगमेंट में अगर आप स्कूटी लेना चाहते हैं, सस्ती अगर लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। 130 mm का ड्रम ब्रेक आपको फ्रंट और रियर में मिलेगा, 10 इंच का अलाउ व्हील है आपका, जो आप देख सकते हैं अलाउ व्हील यानी कि जो इसका चक्का है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर IBS ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है जो कि हीरो की सारी बाइकों में आपको यही मिलेगा। और दो पायलट लाइट आपको मिल जाएगी दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जो है इंडिकेटर आपको बल पर ही मिला है जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो नंबर प्लेट लगेगी, और यहाँ फ्रंट से अगर आप देखेंगे तो ये ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, यहाँ से लॉक होगा, ठीक है, यहाँ पर यहाँ से लॉकिंग होता है। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जिसका जो ये एडजस्टमेंट ये सबसे बेस्ट है। और मिरर भी, शीशा भी आपको एक नया जो है लुक मिलता है। क्रोम का यहाँ पर आप देखेंगे जो फिनिशिंग है ये सबसे अच्छा लग रहा है। 35 वाट का हेलोजन बल्ब आपको मिलता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद अगर बीच में आप देखेंगे तो इसमें स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, और एनालॉग आपको सारी चीज़ें मिलता है, इसमें डिजिटल का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसके अनुरोध की अगर हम प्राइस की बात करें तो 64,000 तो एक्स शोरूम प्राइस है दोस्तों, एक्स शोरूम प्राइस 64,000, लेकिन ऑन रोड प्राइस लगभग 70,000 से 75,000 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस होगी दोस्तों, अप्रॉक्स लगभग मैं बता रहा हूँ। हाई लो बिन आपको स्विच यहाँ पर मिल जाती है, हॉर्न, टर्न सिग्नल सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ग्रिप जो है वो काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एनालॉग मीटर आपको मिल जाता है, और यहाँ पर इग्निशन आपको मिलता है जिसे कि यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, बाइक स्टार्ट ऑफ सारी चीज़ यहाँ से। उसके बाद इसमें मोबाइल चार्जिंग का भी सिस्टम है, और पीछे जो आप बीच में देख रहे हो जगह ये भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर कोई भी चीज़ सामान रख सकते हो, तो यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग का सिस्टम है। तो मोबाइल चार्ज का भी इसमें फीचर दिया गया है, जो कि कंपनी दोस्तों छोटी से छोटी जो है स्कूटी में भी कम से कम सस्ती प्राइस में भी आपको इतने सारे फीचर्स कंपनी देती है दोस्तों, जो कि सबसे लेटेस्ट है, सबसे बेस्ट है आपके लिए। कहीं भी अगर जाते हैं मोबाइल डिस्चार्ज हो जाती है तो आप चार्ज कर सकते हो। अब मेरे पास दोस्तों इतनी बड़ी बाइक है, 1.5 लाख रुपए बाइक है, लेकिन मोबाइल का चार्जिंग का ऑप्शन नहीं, बताइए। और इतनी हल्की बाइक मान के चलिए, छोटी सी बाइक में भी एक चार्जिंग पॉइंट मिलता है, कितनी बेस्ट बात है। तो यहाँ पर सीट देखेंगे तो बिल्कुल आपको सीट अच्छी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको लेदर पर काम किया गया है। पीछे के तेल लाइट पर जाएंगे तो आपको बल्ब मिलेगा, और पीछे का अलॉय व्हील देखेंगे वो भी आपको 10 इंच का मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको देखेंगे तो सबसे मतलब जो एरो ग्रिप टायर है ये सबसे अच्छा है इसमें, और सस्पेंशन आप देख सकते हैं बिल्कुल बेस्ट है। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो इंजन आपको 110.9 cc का इंजन मिलता है, 7000 RPM पावर है, 5500 टार्क है। माइलेज की बात करें तो लगभग 55 से 60 किलोमीटर का आराम से माइलेज दे देगी ये। इसमें 10% ज़्यादा एक्सेलेरेटर पर काम किया गया, यानी कि अगर एक्सेलेरेटर पहले जितना था तो भागती थी उससे 10% अब उतने ही एक्सेलेरेटर पर ज़्यादा भागेगी। पीछे का तेल लाइट भी आपको बल्ब पर ही मिल जाएगा। तो सबसे लेटेस्ट बाइक आप देखेंगे तो कुछ और फीचर है, यहाँ से चाबी लगेगी तो सीट खुलेगी, पहले अलग सिस्टम था लेकिन अब अच्छा है, पीछे चाबी लगा के आप खोल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद पीछे का वाइजर भी आप देख सकते हो, इस तरीके से प्लेजर प्लस लिखा हुआ दोनों साइड पर आपको मिलेगा वाइजर पर। और उसके बाद ग्रेवल भी काफ़ी अच्छा है जैसा कि आप देख सकते हैं। इंजन में आपको सेल्फ और किक दोनों स्टार्टिंग मिल जाता है, आप जो है चाहे सेल्फ इस्तेमाल करें चाहे किक। और यहाँ पर आप देखेंगे सस्पेंशन इस तरीके से यहाँ पर लगा देख सकते हैं आप, सिंगल सस्पेंशन आपको यहाँ पर मिल रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। और उसके बाद इंजन आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप 8010 का आपको ट्यूब टायर आपको मिल रहा है, देख सकते आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर सेल्फ और किक दोनों स्टार्टिंग मिल जाएगा, साइड स्टैंड डबल स्टैंड अभी आपको इसमें मिल जाएगा। तो ऑनरोड प्राइस लगभग 75 से 74 हज़ार रुपये है दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस करें, और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जिन लोगों को लेना है वो ले।